हेलो एवरीवन। सो ये लुक जो देख रहे हो ऐश्वर्या राय का पारो वाला, तो यही मैं करने वाली हूँ आज। तो देखते हैं मुझ पर कैसा लगता है। तो फर्स्टली मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी मॉइस्चराइजर के साथ, क्योंकि फाउंडेशन लगाने से पहले मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, और विंटर्स में स्किन ड्राई होने की वजह से मॉइस्चराइजर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो सेकेंडली मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर। प्राइमर को हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, बस थोड़ा थोड़ा सा हमें इसे ले लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलता है। और फिर हमें इसे अच्छे से पूरे फेस पर और हम नेक पर अप्लाई कर देना है। नाउ मैं ले रही हूँ सुनीसा का फाउंडेशन, और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पर लगा दूँगी। एंड इसकी डिज़ाइन जो होती है ना, ये देखो इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, मीन्स यूनिक है। तो ये लगाने के बाद मैं डायरेक्ट ब्लेंड नहीं करूँगी, मैं सेटिंग स्प्रे से, फिक्सर से एक बार फेस पर स्प्रे कर दूँगी, जिससे मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और अच्छे इससे ब्लेंड होगा। अगर आप वाटर से इस ब्लेंडर को अच्छे से स्क्वीज आउट नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से भी ब्लेंड कर सकते हैं। सो देख सकते हैं ब्लेंडिंग कम्प्लीट हो चुकी है। नाउ टाइम फॉर कंसीलर एंड ऑल कॉन्टोरिंग पार्ट। कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसे लिप कॉर्नर्स पर, नोज़ कॉर्नर्स पर, आई कॉर्नर्स पर, और साथ में इसे मैं यूज़ करूँगी अपने फॉरहेड पर एंड चीक बोन से नीचे वाली लाइन पर एंड जॉ लाइन एंड चिन पर, इम्पॉर्टेंट होता है ये, और नोज़ ब्रिज पर। सो इसे ब्लेंड करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट कॉन्टोरिंग पार्ट होगा वो है ब्रॉन्जर का। सो ब्रॉन्जर को हम यूजुअली यूज़ करते हैं हमारे फेस को अच्छा हाईलाइट करने के लिए, अच्छे से दिखाने के लिए। तो मैं इसे नोज़ कॉन्टोरिंग कर रही हूँ एंड जॉ लाइन कॉन्टोरिंग करूँगी मैं अपवर्ड्स की तरफ, ताकि फेस जो है वो थोड़ा लिफ्टेड लगे और हमारा लुक बहुत अच्छा लगे। इसे मैंने इस तरह 3 के शेप में लगा दिया है नोज़ पर, और अब मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। एंड ये ब्लेंड हो चुका है, एज यू कैन सी गाइस। नाउ टाइम फॉर ब्लश, और मैं ब्लश ले रही हूँ पिच कलर का, ज़्यादा नहीं लेना है। इसे हमको बिल्कुल सर्कल वाइज नहीं लगाना है, इसे हमें आइज के नीचे मीन्स लिफ्टेड एरिया में ही लगाना है, जिससे हमारा फेस लिफ्टेड लगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला। अब मैं पूरे फेस को फेस पाउडर से डैप डैप करके सेट कर दूंगी। ध्यान रहे ये पाउडर आपको ज़्यादा नहीं लेना है, ऑलराइट? देख सकते हैं। नाउ मैं फिर से ब्लश पैलेट का ये ब्राउन वाला पिच वाला शेडो ले रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसे ही मैं अपने आईज पर भी अप्लाई करने वाली हूँ। और ये है कि आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से हमें कर देना है ब्लेंड, एंड यू हैव टू यूज़ ब्रश, एंड वाओ आईज का ये लुक अच्छा लग रहा है। अब मैं ले रही हूँ आईलाइनर, ब्लैक आईलाइनर, एंड फिर इसे मैं नॉर्मल विंग लाइनर के रूप में अच्छे से इसे लगा दूँगी। एंड नाउ यू हैव दिस लुक, अमेजिंग, राइट? नाउ मस्कारा टाइम। मस्कारा हमें अपर लैशेज एंड आईलिड्स दोनों पर लगाना है अच्छे से। एंड नाउ यू कैन सी हाउ आईज आर लुकिंग। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे हाईलाइटिंग। मैं इसमें ज़्यादा पार्ट ले रही हूँ गोल्डन हाईलाइटर का, आप वाइट का ज़्यादा ले सकते हैं, पिंक का थोड़ा कम यूज़ कीजिएगा इसमें, क्योंकि उसका लुक इसमें गोल्डन शेड का थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं फैन ब्रश की हेल्प से अपने चीक बोन्स पर हाईलाइटर अप्लाई कर दूँगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं करना है, ऑलराइट? मैं नोज़ पर आप अपने फिंगर टिप से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे ब्रश से करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने आज फिंगर टिप से किया है, देख सकते हैं आप, शाइनिंग शाइनिंग। अब लिपस्टिक लगाने से पहले मैं लिप बाम लगा रही हूँ, ताकि लिप्स मेरे थोड़े एक्सफोलिएट हो जाएँ और थोड़े शाइनी भी हो जाएँ, अच्छे से लिप को अच्छे से लगा लीजिएगा। एंड नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ रेड लिपस्टिक। सबसे पहले मैं बाउंड्री बनाऊंगी लिपस्टिक से, क्योंकि मैं लिप लाइनर नहीं अप्लाई करती हूँ, और मैं सिर्फ लिपस्टिक से ही लाइनर भी लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे अलग से लिप लाइनर लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मीन्स रियली। और आप क्या करते हैं ये मुझे कमेंट्स में बताओ।
ओके, अब लिप लाइनर लगाने के बाद मेरी लिपस्टिक भी रेडी है। एंड नाउ अब उसका जो बड़ी बंगाली बिंदी का लुक है वो ये रहा। हेलो तो गाइस, ये था मेरा ऐश्वर्या राय का लुक। बहुत मेहनत लगी इसके लिए, इतनी हैवी साड़ी को पहनना, ज्वेलरी एंड ये जो मेकअप लुक जो किया है वो तो आपके सामने है ही, हेयर स्टाइल एंड ऑल सब करके मैंने आपके लिए ये लुक क्रिएट किया है। आई होप आपको ये लुक बहुत अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर देना कि हाँ अच्छा लगा है, और कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस का लुक मैं रिक्रिएट करूँ या और कौन सी वीडियो बनाऊँगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दो। और एक बड़ा सा लाइक दे दो और रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, बाय।